लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियों ने पूर्वांचल की सीटों को जीतने के लिए गुड़ागड़ी तेज कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए घोसी लोकसभा के प्रत्याशी राजीव राय मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव को, घोसी में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? घोसी में सबसे बड़ा दो मुद्दा है। एक तो वहाँ के लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि उनके बीच का कोई बेटा भाई सांसद बन के गया नहीं। एक पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर गई जब लोगों ने सांसद का मुंह नहीं देखा। और मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं 14 में चुनाव हारने के बावजूद टिकट मिला नहीं मिला, जीता हारा लगातार उनके बीच में बना रहा, उनके हर दुख सुख में उनके परिवार के सदस्य की तरह खड़ा रहा। और दूसरा प्रत्याशी ये है कि जिनका भरोसा नहीं कि कब कल कहाँ जाए। दूसरी बात, वहाँ विकास में पिछड़ा हुआ, कल्पनाथ राय जी के बाद वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। उस विकास का पहिया जो कल्पनाथ राय जी के साथ थम गया था उसको आगे बढ़ाना है, लोगों में विश्वास पैदा करना है कि आपका खोया हुआ गौरव वापस आएगा। और उनकी आवाज़ को दिल्ली के सदन में, आपको भी नहीं हो याद होगा पत्रकार के रूप में कि पिछली बार घोसी की आवाज़ दिल्ली के सदन में कब गूंजा था, कब किसी ने घोसी के मुद्दे पर बहस किया था, उनकी उठाए, उनके साथ न्याय करे, उनके दुख सुख में खड़ा रहे, उनके मुद्दों पर जनता से के साथ रहे और सरकार में आने के बाद उन सारी बातों को पूरा करे जो कभी विपक्ष में रहकर कहा करता था। ये तो बात आपने बड़ी कही कि घोसी को अपना नेता नहीं मिला, ज़मीनी नेता नहीं मिला। पूर्वांचल की बात करें, 2012 की जो समाजवादी पार्टी की जीत थी उसमें आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, आप राष्ट्र सचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, तो घोसी के मुद्दों से आप रूबरू होंगे, घोसी की जनता क्या चाहती है? मैंने बताया ना, घोसी की जनता चाहती है कि उनके बीच का कोई जाए जो जिनको उन्होंने एक दशक से ज़्यादा समय तक परखा है, अग्नि परीक्षा लिया है। दूसरा कोई होता तो पार्टी बदल गया होता, टिकट नहीं मिला तो कहीं और चला गया होता, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया होता, लेकिन मैं नहीं गया तो मैं तो उनका परखा हुआ हूँ, उनका परखा हुआ बेटा और भाई हूँ। बाकी लोग आकर बातें करेंगे, मैंने करके दिखाया है, साबित किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, आपके सामने जो चुनौती दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर, कैसे देखते हैं? वो भी बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ दोनों उनके बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं, वो जितना बोलते हैं उतना हमारा वोट बढ़ता है। उनकी वाणी, उनकी भाषा, उनका एरोगेंस, उनका अहंकार, उनकी स्तरहीन बातें, ये सब घोसी के लोगों को पसंद नहीं है। वो चंद लोगों को खुश करने के लिए घोसी का लगातार अपमान करते रहे हैं। पिछले विधानसभा के उपचुनाव में भी उन्होंने अपमान किया, उसका सज़ा मिला। वो छोटा चुनाव था, छोटी सज़ा मिली, बड़ा चुनाव है, बड़ा सज़ा मिलेगा। क्या उम्मीद लग रही है आप? ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए घोसी लोकसभा से प्रत्याशी राजीव राय थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आके मिराज खान, लखनऊ।